हेलो गाइस, नीरू की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज्ज़ा। तो उसके लिए हमने लिया है, पिज्ज़ा बेस बनाने के लिए हमने लिया है 3 कटोरी आटा। मैंने ये कटोरी आटा लिया है 3। ये मैंने आधी चम्मच नमक लिया है, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है, आधा चम्मच बेकिंग सोडा लिया है, 1 चम्मच लिया है चीनी, शुगर पीस लिया है मैंने चीनी को। तो अब हम इसके लिए आटा गूंथेंगे। ये मैंने सारी चीजों को मिला लिया है। हम नॉर्मल पानी से आटा गूंथेंगे। ये हमारा आटा गूंथ गया है, इसको हम 1 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। 1 घंटे बाद हम पिज्जा बनाएंगे। आज हम पिज्जा आटे से बनाएंगे। ये हमारी सेहत के लिए, मैदा अच्छी नहीं होती, इसलिए हम आटे से बनाना दिखाएंगे आपको पिज्जा। इसको 1 घंटे के लिए रख दिया है मैंने। 1 घंटा हमने आटे को रख लिया है। ये हमारा आटा तैयार है। अब हम पिज्जा बनाएंगे। इसको अच्छे से और मसल लेंगे थोड़ा। ये हमने पिज्जा बनाने के लिए है, ये 1 कटा हुआ प्याज लिया है, 1 कटा हुआ टमाटर लिया है, ये हमने शिमला मिर्च लिए हैं, कुछ शिमला मिर्च मैंने गोल काट लिए हैं। ये मैंने 3 कलर की शिमला मिर्च ली हैं, येलो, रेड, ग्रीन। ये मैंने पनीर लिया है, ये मैंने चीज़ लिया है, ये मैंने ऑरिगेनो लिया है, ये चिल्ली फ्लेक्स मैंने घर पर ही बनाया है, ये रेड चिल्ली जो होती है सूखी, इनको पीस लिया है मिक्सी में, ये मैंने नमक लिया है 1/2 चम्मच, ये मैंने पिज्ज़ा सॉस लिया है। अब हम पिज्जा बनाएंगे। ये हमने थोड़ा आटा डाल लिया है। ये मैंने गैस, ये कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। हम कढ़ाई में पिज्जा बनाएंगे। आप नॉनस्टिक तवे पर भी बना सकते हैं। ये हम इसको, इसका बेस तैयार करेंगे। हम इसको थोड़ा मोटा बेलेंगे। ये हमारा पिज्जा बेस, इसमें हम ये फॉर्क से डॉट डॉट करेंगे ताकि हमारा पिज्जा फूले नहीं। ये हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। जिधर हमने ये डॉट किए हैं उधर से हम नीचे की तरफ रखेंगे इसको। ये मैंने इसमें डाल दिया है। इसको ब्राउन होने तक थोड़ा ढक के रख देंगे, मंदी गैस पर इसको रखेंगे। देखो ये हमारा एक साइड से सिक चुका है, तो अब हम इसको गैस बंद कर देंगे। जिधर साइड से सिका है उधर अब हम इस पर सॉस लगाएंगे। इस पर हम चीज लगाएंगे। ये हमने इस पर चीज लगा ली है। अब हम ये शिमला मिर्च लगाएंगे, ये टमाटर, ये प्याज, ये पनीर रखेंगे इसके ऊपर। मैंने शिमला मिर्चों को गोल भी काटा है, ये भी अलग अलग शेप में आप भी काट सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ी चीज और डाल के इसको बनने के लिए हम रख देंगे। इसको हम अब हम गैस चला के इसको मंदी गैस पे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे ढककर।
ये 10 मिनट में हमारा पिज्जा बन चुका है। इस पर हम थोड़ा नमक डालेंगे, बिल्कुल हल्का नमक डालेंगे। ये मैंने जो चिल्ली फ्लेक्स बनाया था थोड़ा ये डालेंगे, ये ऑरिगेनो। हमारा बाजार जैसा पिज्जा बनके तैयार है। बाकी पिज्जा भी हम वैसे ही बनाएंगे। अभी हम इसको ये हमने इसको काट लिया है। ये हमारा देखो ये पिज्जा बनकर तैयार है। प्लीज़ कमेंट करें और बताएं आपको मेरा पिज्जा बनाने का तरीका कैसा लगा, और अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो शेयर करें। थैंक यू।